हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड की वायरिंग बताने जा रहा हूं। इसमें 2 5 पिन है, 2 2 पिन सॉकेट है और 3 स्विच और 1 होल्डर का कनेक्शन करना है। तो मैं इस बोर्ड की वायरिंग बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बताऊँगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो तीनों स्विच हैं इनके नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये हमने फेस बांधा है। पहला ही स्टेप हमें स्विच के नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो ये अब हमें इस स्विच से इस वाले 5 पिन को वर्क कराना है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन के एल वाले पॉइंट पे, आप देखें यहाँ पे एल मेंशन है, इधर एन मेंशन रहता है, तो एल वाले पॉइंट पे आप कनेक्ट कर दीजिए। ये आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, एल और एन होता है तो आप इसे ईजिली याद कर सकते हैं कि एल वाले पॉइंट पर मुझे कनेक्ट करना है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट पर कनेक्ट करिए। उसी तरह इस स्विच से इस 5 पिन को वर्क कराना है, तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन के एल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। और जो तीसरा स्विच बचा, इसके लिए हम होल्डर का कनेक्शन करेंगे। 2 2 पिन सॉकेट अभी बच रहे हैं तो इनका हमें डायरेक्ट कनेक्शन करना है। ये किसी स्विच से इसका कनेक्शन नहीं रहेगा। तो देखिए, इसके लिए स्विच के नीचे वाले पॉइंट से इस 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये फेस हो गया। उसी तरह इस 2 पिन सॉकेट के लिए किसी भी स्विच के नीचे वाले पॉइंट से इस 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक स्विच से एक 5 पिन और ये 2 पिन सॉकेट दोनों वर्क करें, तो आपको इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, जैसे आपने इस 5 पिन पर कनेक्शन दिया है, उसी तरह यहाँ से भी एक वायर निकालेंगे और ये 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि एक ही स्विच से ये 5 पिन और 2 पिन दोनों वर्क करेगा। अब देखिए, दोनों 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये एल वाला पॉइंट है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, और ये एन वाला पॉइंट है। तो जिस पे एन लिखा हुआ है, इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, ये वायर हमने यहाँ से लाके यहाँ पे लगा दिया। अब इस 2 पिन सॉकेट का फेस बांधना है। तो इस देखिए, स्विच के नीचे वाले पॉइंट से और इस 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ये इसका फेस बंध गया। इन दोनों 2 पिन सॉकेट को डायरेक्ट कनेक्शन देना है, मतलब ये किसी स्विच से कनेक्शन नहीं रहेगा। तो इसका फेस देने के लिए ये देखिए, स्विच के नीचे वाले पॉइंट से दे दिया, और इसका न्यूट्रल जो है, इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से इसके ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। तो ये यहाँ से इसका फेस हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। अब इस होल्डर का इस स्विच से कनेक्शन देना है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस होल्डर के दोनों में से किसी एक पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। इस 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह देखिए, इस 2 पिन सॉकेट का न्यूट्रल यहाँ से दे दिया हमने। इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से इसके ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, इसका न्यूट्रल हो गया। जो हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट किया था, ये फेस हो गया। अब आपको मेन वायर बाहर निकालना है, एक न्यूट्रल और फेस। तो यहाँ से हमने इस 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट से निकाल दिया, ये न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पर स्विच के नीचे वाले पॉइंट से एक वायर बाहर निकाल दिया, ये फेस हो गया। तो न्यूट्रल और फेस हो गया। इस प्रकार इस बोर्ड की वायरिंग हो गई। तो चलिए, मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ। इस बोर्ड का कनेक्शन हमें करना है, तो हमें कनेक्शन ऐसा करना है कि इस स्विच से ये 5 पिन वर्क करें, दूसरे स्विच से दूसरा 5 पिन वर्क करें, और इस बीच वाले स्विच से ये होल्डर वर्क करें, और ये 2 2 पिन सॉकेट ये डायरेक्ट वर्क करें। तो ये देखिए, इसका कनेक्शन कैसे करना है, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। पहले स्विच के तीनों नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये हम फेस बांध रहे हैं। अब आपको इस स्विच से इस 5 पिन को वर्क कराना है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह इस स्विच से इस 5 पिन को वर्क कराना है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इस 2 पिन सॉकेट को डायरेक्ट करना है और इस 2 पिन सॉकेट को डायरेक्ट करना है। तो इस 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट को इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये इसका 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट को इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। ये इसका फेस बन गया। अब इसका न्यूट्रल बांधने के लिए इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से इस 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह इस 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से, जिसपे एन मेंशन है, वहाँ से इस 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो इसका फेस और न्यूट्रल दोनों का बन गया। अब बीच वाले स्विच से इस होल्डर को वर्क कराना है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस होल्डर के दोनों में से किसी एक पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। ये यहाँ से इसका फेस बन गया। अब इसके न्यूट्रल के लिए इसके दूसरे वाला पॉइंट से और इस 2 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट, जहाँ पे हमने न्यूट्रल बांधे हैं, मतलब इसके ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो इसका भी फेस और न्यूट्रल बन गया। अब देखिए, एक चीज़ और आ गया। इस 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट से दूसरे 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब इस मेन लाइन के लिए एक फेस और एक न्यूट्रल निकालना है।
तो देखिए न्यूट्रल के लिए ये टू पिन सॉकेट के ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से निकाल देंगे न्यूट्रल, और फेस के लिए इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट से वायर निकाल देंगे और आगे यहाँ से कट करके मेन लाइन से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार इसका कनेक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड की वायरिंग करना बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।